मेरी लिखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। शिल्पा का बिल्कुल मन नहीं था होली खेलने का, जबकि एक समय था कि वही होली के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती थी। इतनी प्लानिंग करती थी कि जो नहीं खेलता था उसे भी जबरदस्ती रंग में भर देती थी। आज जब वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी तो समीर की निगाहें बस उसी पर टिकी थी और वो बिना चाची के हाथों से रंग लगवाए होली खेलने को तैयार ही नहीं था। कमरे के बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब चाची दरवाजा खोले और वो उनके साथ होली मनाए। शिल्पा का पति तो घर में था नहीं, इसलिए समीर ही उसे रंग लगाना चाहता था। शिल्पा ने खुद को बहुत रोक रखा था। बचपन में तो वो केवल पक्के कलर से ही होली खेलती थी, जिसका रंग एक हफ्ते तक चढ़ा रहता था, क्योंकि रंग इतना पक्का होता था कि एक बार में तो जाता ही नहीं था। ये कहानी उसकी शादी से पहले की थी, पर जब शादी हुई तब भरा पूरा परिवार था और माँ ने बचपन से ही एक बात सिखाई थी, या यूं कहें कि तानों के रूप में बताया था कि शादी के बाद ये बचपना मत करना, थोड़ी शर्म लिहाज रखना। और किस्मत से ससुराल भी ऐसा मिला जहाँ घूंघट रखना पड़ता था। शिल्पा के लिए तो ये भी एक सजा जैसा था, क्योंकि वो तो हमेशा से मॉडर्न रही थी, स्टेट लेवल प्लेयर थी, इसलिए उसे तो स्कर्ट पहनने का शौक था। वो बहुत छोटे कपड़े नहीं पहनती थी, पर हाँ, ससुराल आने के बाद उसके सभी शौक धीरे धीरे कुचल दिए गए। ऐसी मस्ती खोर लड़की को जब एक घूंघट के नीचे छुपा दिया जाए और उसे कम बोलने और धीरे बोलने की नसीहतें मिलने लगे, तब वो भी क्या करे। खैर, इतने से ही कहाँ चलने वाला था, अभी तो आगे आगे और बहुत कुछ होना था। घर के काम करना, ससुराल में मेहमानों की लाइन लगी रहती थी, नौकर का रिवाज भी नहीं था। परिवार वालों की नज़र में तो बहू सिर्फ एक काम वाली होती है और आते ही उसे सर्वगुण संपन्न समझ लिया जाता है। शिल्पा ने कभी अपने पियर में ज़्यादा काम नहीं किया था, पर ससुराल में तो वो दिन रात सिर्फ झाड़ू पोछे में ही लगी रहती थी, और उसमें भी अगर उससे कोई गलती हो जाती तो उसके माँ बाप और पूरे परिवार को ससुराल रूपी अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था। बेचारे माँ बाप भी क्या करते, अपनी बेटी को ही नसीहत देते, क्योंकि अगर वो उसके पक्ष में बोल देते तो कलेश तैयार। बेटी के माँ बाप को तो बोलने का हक ही नहीं होता, वो तो सिर्फ शिकायत सुनने का ही अधिकार रखते हैं। और ये सिलसिला भी यहाँ नहीं रुका। शिल्पा के पतिदेव भी चाहते थे कि उनकी पत्नी केवल उनकी ही प्रॉपर्टी बनकर रहे और वो जैसा कहे बस वैसा ही माने, और अगर उनकी बात ना माने तो घर में झगड़ा और फिर सब लड़की की ही गलती निकालते। कुल मिलाकर शादी का मतलब लड़की का नया जन्म, और इस नए जन्म में शिल्पा पूरी तरह से बदल गई थी। उसका पति बहुत बुरा नहीं था, पर बहुत अच्छा भी नहीं था। उसकी कुछ आदतें बहुत बेकार थी, जैसे सबके सामने शिल्पा पर दादागिरी लगाना, जबकि अकेले में वो उसे बहुत मीठी मीठी बातें करता। दूसरा, अगर उसने अपने पति से अपने दिल की कोई बात जाहिर करी तो पति फिर से वो बात सभी घरवालों के सामने जाकर कह देता था, और ये बात पूरे घर में फैल जाती थी। तब शिल्पा को बहुत दुख होता कि अब वो अपने पति से भी अपने दिल की बात नहीं कर सकती। तीसरी आदत उसके पति की शराब पीने की थी, जो यदा कदा पीता था, लेकिन उसे दारू सूट नहीं होती थी, इसलिए थोड़ा पीने के बाद ही वो बहक जाता और अजीबोगरीब हरकतें करके शिल्पा को शर्मिंदा करता था। स्पेशली त्योहार पर तो वो दारू पीता ही था, जिसके कारण झगड़े होते और धीरे धीरे शिल्पा का त्योहारों के नाम से मन हट गया। उसके पति को भी होली खेलने का बहुत शौक था, और पहले वो बाइक पर शिल्पा को भी साथ में सबके घर लेकर जाता, और हर जगह अलग अलग दारू होती तो वो हर जगह एक एक पैक पी लेता। शाम तक तो हालत ये हो जाती कि वो गाड़ी भी ठीक से नहीं चला पाता। डरती डराती शिल्पा घर पहुंचती
और मन ही मन उसे होली से नफरत होती जा रही थी। एक समय तो उसने कह दिया था कि अब मैं होली कभी नहीं खेलूंगी, मुझे होली पर दारू पीना और उसके बाद झगड़े करना बिल्कुल नहीं पसंद। तब उसका पति उसे झूठे वादे करता कि मैं अब कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन हर अगली होली वैसी ही निकलती। आज होली का दिन था और इस बार तो शिल्पा ने ठान लिया था कि वो ना होली खेलेगी और ना किसी को खुद को रंग लगाने देगी। इसलिए उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। पतिदेव ने भी जब ये देखा कि अब शिल्पा उसकी बातों में नहीं आने वाली, तब वो अकेला ही होली खेलने के लिए निकल पड़ा। इधर समीर यानी शिल्पा के जेठ का बेटा शिल्पा के कमरे के बाहर आकर बैठ गया और कहने लगा, चाची जब तक आप मुझे रंग नहीं लगाओगे मैं होली नहीं खेलूंगा। किसी और के लिए ना सही, पर आपको मेरे लिए तो बाहर आना ही पड़ेगा। मैं आपको होली के दिन इस तरह उदास नहीं देख सकता। शिल्पा ने समीर की एक ना सुनी और बस दरवाजा खिड़की बंद करके बैठ गई। समीर शिल्पा की बहुत इज्जत करता था और वो उसे माँ जैसी ही लगती थी, इसलिए वो किसी भी हाल में शिल्पा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो जानता था कि शिल्पा एक वक्त पर बहुत चुलबुली थी और होली उसका सबसे पसंदीदा त्यौहार था, इसलिए उसने ठान लिया था कि चाची को रंग लगाकर ही रहेगा। जब शिल्पा ने भी समीर की जिद देखी और देखा कि वो कुछ घंटों से बाहर ही बैठा है और होली नहीं खेल रहा, तब उसका मन भी पिघल गया और वो सिर्फ समीर की खातिर बाहर आ गई। उसके मन में भी समीर के लिए बहुत प्यार था। आज ये चाची सिर्फ अपने भतीजे के लिए होली खेल रही थी। जैसे ही शिल्पा बाहर आई तब समीर ने उसके पैर छुए और पैरों पर थोड़ी गुलाल लगाई और कहा, चाची अब मुझे भी तो रंग लगाओ ना। समीर का अपने प्रति इतना प्यार और इज्जत देखकर शिल्पा भी खुश हो गई और उसने समीर को रंग लगाया। धीरे धीरे सभी परिवार वाले शिल्पा के पास आ गए और सब ने उसे बड़े प्यार से रंग लगाया और उसने भी सबको मिठाई खिलाकर सबका मुंह मीठा करवाया। ये सिलसिला थोड़ी देर चला और वो दोबारा अपने कमरे में चली गई। उसने बचपन की तरह तो होली नहीं मनाई, पर इस बात की खुशी जरूर थी कि समीर के कारण उसकी होली बेरंग नहीं रही।